डॉक्टर राखी तिवारी, पत्रकारिता शिक्षक। डॉक्टर राखी तिवारी मीडिया शिक्षा से जुड़ी एक ऐसी हस्ती हैं जो संचार, मीडिया और शोध के अध्यापन क्षेत्र में विगत 25 वर्षों से अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। डॉक्टर राखी तिवारी एशिया के डॉक्टर राखी तिवारी एशिया के प्रथम पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग की प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। आपके विद्यार्थी आज देश के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के संस्थानों के साथ सरकारी संस्थानों में भी विभिन्न भूमिकाओं को बखूबी निभा रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आज तक एबीपी न्यूज, NDTV, इंडिया टीवी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू जैसे संस्थान शामिल हैं। अध्यापन से पूर्व समाज सेवा से भी आपका गहरा जुड़ाव रहा है। गांधी भवन द्वारा संचालित व्यसन मुक्त केंद्र में काउंसलर और परिवार परामर्शदाता के रूप में अपनी सेवाएं भी दे रही हैं। आपने बतौर एंकर भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। दखल परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये दखल अवार्ड्स विनर जितनी भी यहाँ सब बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो वो बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं। और क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही गहरे संस्कारों से भरे हुए परिवारों से आए हुए हैं और अपनी प्राण ऊर्जा को चारों तरफ फैला रहे हैं। दखल न्यूज़ चैनल जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर है, और वो सशक्त हस्ताक्षर इसलिए है क्योंकि श्री अनुराग उपाध्याय जी तीखी से तीखी बात को भी बहुत सहज, सौम्य और सरल तरीके से कहने की अदा जानते हैं और दखल रखते हैं उस क्षेत्र में कि जहाँ जन सरोकार के मुद्दे जो हैं उस तीव्रता से उठाए जाएं, जहाँ परिवर्तन दिखाया जाए। शफाली जी हरफन मौला हैं, वो तो अपनी जो है अदा, जो भी तमाम सारे वैचारिक मुद्दे हैं उनको भी और अपने नाटक के माध्यम से भी जो है बहुत सारी चीज़ें कहती रहती हैं और बहुत बहुत विविध आयामों में वो जो हैं पत्रकारिता के काम कर रही हैं। मन, वाणी और कर्म की जब सामंजस्यता और समन्वय बैठता है तब जो व्यक्तित्व और हस्ती हमारे सामने आती हैं वह हैं श्री आशुतोष राणा जी। मुझे लगता है कि हम सब जो भी आज इस मंच पर दखल अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए सम्मान की बात नहीं हो सकती कि ये मंच मुहैया कराया है दखल न्यूज चैनल ने, और वह सम्मान देने वाले हमारे सामने दो महत्वपूर्ण हस्तियां जो प्राणों से स्पंदन जो है उनका हो रहा है और हमारी आत्माओं तक पहुंच रहा है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे लगता है आशुतोष जी, आप युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति को जानने का एक यदि बहुत बड़ा माध्यम आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो हैं वो हजारों करोड़ों युवाओं को जो हैं वो छू रहे हैं और उन्हें इस भारत राष्ट्र को जो है उज्जवल बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हम सब बहुत बहुत आभारी हैं कि ऐसा जीवंत संवाद हमें यहाँ सुनने को मिल रहा है जो पूरी तरह से स्वाभाविक है और ज्ञान की वो जो भारतीय परंपरा है उसका अंग हम सब बन पा रहे हैं। दखल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर आयोजन के लिए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।